brothers, my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your body sell off to peace and gloves. Now you got a deal right now. Hey guys, welcome back to my channel. तो यहाँ पे मैं करवा चौथ मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया है रोज टोनर लगाने के बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सीरम. सीरम जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करता है. सीरम लगाने के बाद मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ. प्राइमर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का. जो ये प्राइमर जो मेबलिन का है ना, बहुत ही बेस्ट प्राइमर है. और प्राइमर अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हो. तो अगर आयरा को भी देख सकते हो, पास में बैठी हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बोल के नहीं बनाया था. मैंने बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वॉइस ओवर में मुझे बहुत ही दिक्कत होता है. तो उसके बाद एक मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है. ब्यूटी ब्लेंडर को सबसे पहले मैंने पानी में भिगो को निचोड़ लिया है. उसके बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. और मेकअप में ब्लेंडिंग का बहुत ही कमाल होता है. जितना अच्छा ब्लेंडिंग करोगे ना, उतना अच्छा आपका मेकअप लुक निखर के आएगा. उसके बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ. कंसीलर मैंने यहाँ पे पिंक कलर यूज किया है, ताकि मेरा फेस थोड़ा सा वाइट है तो इस वजह से पिंक. अगर आप थोड़े सांवले कलर के हो तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर यूज कर सकते हो. और उसको लगाने के बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करना है. अगर आपके पूरे फेस में स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप कंसीलर के द्वारा कंसील कर सकते हो, उसको छुपा सकते हो. कंसीलर का यही काम होता है, जो आपके डार्क सर्कल होते हैं या स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसको छुपाने का काम करता है कंसीलर. यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ. फाउंडेशन मेरा इनवाइवे का है, जो बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन है. मैंने बहुत टाइम से ये यूज कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा है ये, मतलब फाउंडेशन निकला. बहुत ही सस्ता भी है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो आसानी से, बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे. उसके बाद अपने फेस पे मैं डॉट डॉट कर ले रही हूँ, ये देख सकते हो. और उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे. ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. और फाउंडेशन लगाने के बाद आपका फेस इतना ग्लोई करेगा, ग्लो करेगा ना, मतलब बहुत. अगर सांवले भी हों तो गोरे गोरे से दिखोगे. और आप देख ही सकते हो, अब मेरा फेस ही देख लो कि मैं कितनी गोरी लग रही हूँ फाउंडेशन लगाने के बाद. और अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. ब्लेंडिंग पे आपको बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे से आपको ब्लेंड करना है. तो फेस के साथ आपको नेक को भी कवर करना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. और ब्लेंड जितना अच्छा ब्लेंड करोगे ना, उतना अच्छा आपका मेकअप लुक निखर के आएगा. और उसके फाउंडेशन लगाने के बाद उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी. कॉम्पैक्ट आप देखो, मैं हुडा ब्यूटी का लगा रही हूँ. ये भी बहुत ही सस्ता है, आप इसको भी परचेस कर सकते हो. और पूरे फेस में इसको लगा लेंगे. और फेस के साथ आपको नेक का भी ध्यान देना है. तो ये देखो, और कॉम्पैक्ट लगाने के बाद उसके बाद मैं आई मेकअप करूँगी. तो आई मेकअप मैंने हेयर पहले ही बना लिया है. ऐसे ही मैं, आप करवा चौथ में मेकअप मतलब हेयर बना सकते हो. वैसे मैं रियल में भी करवा चौथ में ऐसे ही मतलब अपना हेयर बनाने वाली हूँ. उसके बाद देखो, आईब्रो को मैं फिल कर ले लूँ. मैं आई मेकअप करूँगी तो आईब्रो के यहाँ पर मैं फिल कर ले रही हूँ. तो और जितना भी आपको एक्स्ट्रा पाउडर होगा ना, उसको आपको आईब्रो ब्रश आता है उससे आपको निकाल लेना है. तो ये देखो, मैं आईब्रो को सेट कर रही हूँ. मुझे पहले लग रहा था ना कि ये देखना कि मेरा आईब्रो सही से सेट नहीं हुआ है, फिर मैं डबल फिर दोबारा कर रही हूँ. यहाँ पे जो ब्रश है उससे मैं एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसको मैं निकाल ले रही हूँ. यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरा दोनों आईब्रो बराबर है कि नहीं, मतलब दोनों. तो मुझे इधर लेफ्ट साइड का थोड़ा सा हल्का लग रहा है, तो फिर से मैं थोड़ा सा उसमें भरूँगी. ये देखो, तो इसको मैं देखो थोड़ा सा और इसको भरेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे. तो ऐसे ही आईब्रो को अच्छे से देख के आपको फील कर लेना है. और मेकअप करना बहुत ही इजी है, आप अच्छे से मेकअप घर पे आसानी से कर सकते हो. पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है. किसी के साथ ही में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, या बर्थडे पार्टी या रिसेप्शन पार्टी कुछ में भी, तो आप थोड़ा बहुत मेकअप तो करना सीख ही लो. कि और उसके बाद ये देख सकते हो, यहाँ पर मैं अपने आई शेडो लगा रही हूँ. यहाँ पे मैंने पिंक कलर यूज किया है, जो रेडिश टाइप के आते हैं, क्योंकि जो साड़ी का कलर है मेरा वो रेड कलर का है. तो यहाँ पे उसी को मैं फील कर रही हूँ. तो एक ब्रश लिया है, तो उसको आउटर से इनर जाएंगे. तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे आई मेकअप. जितना अच्छा ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप लुक निखर के आएगा. तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. तो आउटर से इनर जाएंगे, ऐसे ही ब्लेंड कर लेंगे. दोनों आईज पे ऐसे ही करेंगे, जैसे कि राइट पे कर रही हूँ वैसे ही लेफ्ट पे करेंगे. तो ये देख सकते हो, और यहाँ पास में अभी ये भी देखो कि आयरा बैठी है. और हाँ, मैं गाइज ये भी बताना चाहती हूँ कि एक मेकअप लुक क्रिएट करने में इतना मेहनत लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ. इसीलिए मैं बहुत मेकअप लुक लेके नहीं आती हूँ. कभी कभी जो जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं उसी का मेकअप लुक लेके आती हूँ. तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो. और मेहनत बहुत लगता है तो शेयर कर दिया करो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए, वो भी देख के अपना मेकअप लुक खुद से कर सकें. और उसके बाद आई शेडो लगाने के बाद यहाँ पर मैं लकमे का लगा रही हूँ. आई
वो लाइनर, तो ये देख सकते हो। और मैं अपना क्या कहते हैं राइट साइड वाला जो आईज होता है ना, उस पर मैं अच्छे से लाइनर लगा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरती से लगा लेती हूँ, लग जाता है। और जो लेफ्ट साइड का होता है ना आईज, उससे मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। किसको किसको दिक्कत आती है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो भाई दिक्कत आती है, लगा तो लेती हूँ बट बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि राइट से ही लेफ्ट में लगाना होता है, तो इस वजह से मुझे दिक्कत होती है। अब ये देखो मुझे थोड़ा दिक्कत आ रही है, बट लगा तो रही हूँ लेकिन दिक्कत आ रही है। तो ये देखो लाइनर लगा लेंगे। उसके बाद लाइनर लगाने के बाद जो मैंने आई शेडो अपने आईज के ऊपर लगाया है, उसी से साइड में स्मज करेंगे हल्का हल्का, ये देख सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे काजल लगा लूँगी। काजल भी मेरा लक्मे का है, तो जो मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत कॉस्टली नहीं है। हाँ, आप ऐसा इतने कम रेंज में आप खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो आराम से। ज़्यादा महंगे मेरे पास मेकअप किट जो है वो नहीं है, कोई कोई प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं लेकिन बाकी सब नहीं है। और यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, स्विस ब्यूटी का यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ। आपको थोड़ा सा स्माइली करना है और ब्लश लगा लेना है। और उसके बाद मेरा इसमें जो है ना किट मेरा, तो इसमें आपको स्विस ब्यूटी का दोनों है, हाइलाइटर और ब्लश दोनों एक ही में है। और यहाँ पे ये लगा रहे हैं हाइलाइटर, तो आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट करना वहाँ पर कर सकते हो। ऐसे हाईलाइट एरिया होता है चीक बोन, वहाँ पर आप हाईलाइट करो, और नोजी के पास अच्छे से हाईलाइट कर लो, आईब्रो के ऊपर हाईलाइट करो, चेन के पास हाईलाइट करो, ताकि आपका फेस दूर से ही हाईलाइट दिखे। और हाईलाइटर लगाने के बाद बहुत ही आपका फेस होता है ना इतना ग्लोई और अच्छा दिखता है, तो हाईलाइटर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो भी करवा चौथ मेकअप लुक है, तो भाई रात का मेकअप लुक है, हाईलाइट तो करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको लिपस्टिक मैं यहाँ पर रेड कलर का लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी का कलर रेड है, इस वजह से आप जिस कलर का साड़ी पहनते हो ऐसा रेड तो सब पे चलता है, तो वैसा आप लगा सकते हो। तो ये देखो, तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा, और ये देखो मेरा कितनी मैं खूबसूरत लग रही हूँ, अपने से मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, करवा चौथ मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। और मैं रियल में जिस दिन करवा चौथ होगा उस दिन भी मैं सेम टू सेम ऐसे ही, बट साड़ी का कलर अलग रहेगा, और एक मेकअप फिक्सर के द्वारा अपने मेकअप को फिक्स कर लेंगे, ये देख सकते हो। इससे आपका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहेगा। और यहाँ पर मैं बैंगल्स पहन रही हूँ। बस अब मैं रेडी हो जाऊँगी थोड़े देरों में करवा चौथ के लिए। तो ये देखो बस चांद निकलने की देर है, चांद निकलेगा बस हो गया। तो ये देखो उसके बाद मैं यहाँ पे मांग टीका, मैंने करवा चौथ मेकअप लुक किया है। तो आप रेड साड़ी के साथ ऐसे मेकअप लुक कर सकते हो। और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, मेरे वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए ना। ये मेकअप लुक देखकर वो भी ऐसा, ये वीडियो देखकर वो भी अपना ऐसा मेकअप लुक कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, करवा चौथ पे ऐसा लुक क्रिएट कर सकते हो दुल्हन की तरह। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब अच्छी लग रही हूँ या मतलब मेकअप लुक कैसा हुआ है। और पीछे आप देख सकते हो मैंने बन बनाया है जो टेम्पररी है ऐसे ही, देखो। हाँ, एक मेकअप लुक क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत तामझाम लगती है, पूरा सामान को इकट्ठा करो, फिर मेकअप करो, रेडी हो, तो देख सकते हो कितना मेहनत है। तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और वीडियो को ये मेरा नथ भी बताना है कैसा लग रहा है, जो मेरा फेवरेट नथ है, फेवरेट नथ। पिछले टाइम मैंने करवा चौथ पर ये नथ पहना था, तो इस बार तो पहनने का मूड नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिए।